आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने सैमसंग वॉशिंग मशीन में इतने बड़े कंबल को किस तरह से आसानी से धोती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको वॉश किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपना कंबल डाल दिया है इसके अंदर। इसके साथ में और कोई कपड़े नहीं डाल रही, सिर्फ उस बड़े ब्लैंकेट को मैंने इसमें डाला है। तो ये मेरा सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, डिजिटल इन्वर्टर। एट केजी की कैपेसिटी है इसमें। तो इसको जो मैं डेली वॉश करती हूँ उसी में इसको मैं करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पाउडर डाल देती हूँ। इसके साथ मैं और कुछ भी नहीं डाल रही। तो ये मैंने सेट कर दिया है डेली वॉश के लिए। तो 1 घंटे में इसकी सफाई हो जाएगी, धुल जाएगा अच्छे से ये। तो इसको कर देते हैं ऑन। तो ये कंबल मेरा धुल चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये काफी अच्छे से धुल चुका है। तो इसका सोप वाटर भी पूरा निकल चुका है अच्छे से। इसका पानी भी काफी अच्छे से निचुड़ चुका है। तो चलिए इसको अब निकाल देते हैं और धूप में इसको सुखा देते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में सूख जाएगा, पूरा दिन इसको सुखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी ब्लैंकेट्स इसमें इसी तरह धोती हूँ, तो काफी आसानी से धुल जाता है। इसमें कोई गंद, कोई सोप पाउडर कुछ नहीं रहता। बस इस चीज का ख्याल रखें कि सोप पाउडर ज्यादा ना डालें, ज्यादा झाग बनने से इसको धुलने में परेशानी होगी।